ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार कुछ चीजें ना, मतलब यार शायद से अगर हमें पहले पता चल जाए तो काफी कुछ हम लोग इम्प्रूव कर सकते थे। इसलिए स्पेशली ना आज का वीडियो मेरे उन टीनेजर्स भाइयों के लिए होने वाला है जिससे उनके लाइफ में ना उनको काफी ज्यादा हेल्प होने वाली है। सही में कह रहा हूँ, इस वीडियो को ना आप लोग को पूरा एंड तक देखना चाहिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा कोई भी भाई मतलब ये गलतियां करे, तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर दे। वो टाइम की बर्बादी करना, देखो मेरे भाई अगर सही टाइम पे सही चीजें नहीं करोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ रहेगा तो पछतावा कि काश मतलब मैंने पहले कर लिया होता। अब चलो ये सारी चीजें तो ठीक है, बट आप लोग ही सोचो, जैसे हम लोग सुबह उठते तो सबसे पहले हम लोग अपने फोन चेक करते, चलो फोन चेक करते तो करते ही है, बट साथ ही में मतलब इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक कुछ भी ओपन करेंगे तो भाई ऐसा नहीं कि मतलब देख के रख दिया तो भाई उसके अंदर हम लोग स्क्रोलिंग करते जाते हैं, पता नहीं इससे तो कुछ सीखने तो नहीं मिलता, बट हाँ भाई टाइम जरूर से वहां पे वेस्ट हो जाता है। ये चीज सिर्फ सुबह के नहीं, तो आप लोग दिन के किसी भी टाइम अगर अपने काम के करते वक्त अगर आप लोग अपने फोन को लेते हो तो आप लोग ये नोटिस करोगे कि जो फोन आप लोगों ने एक मिनट के लिए लिया था तो देखते देखते ना कब भाई मतलब 20 से 25 मिनट हो जाएगा ना, तो ये आपको भी पता नहीं चलेगा। साथ ही में जो आंखों के ऊपर ब्रेन के ऊपर जो स्ट्रेस आ रहा है, हमारा जो फोकस और कॉन्सेंट्रेशन कम होते जा रहा है, तो भाई उसका क्या। ले यार तुम्हारा भाई रिक्वेस्ट करे कि प्लीज आज से इस चीजों को कम कर दो। इन सबके साथ जो मतलब फेक गैम्बलिंग वाले एप्स हो गए, फिर डेटिंग के एप्स हो गए, तो मेरे भाई इससे भी कुछ नहीं होने वाला, बस टाइम वेस्ट होने वाला है। अच्छा टीनेजर भाई तो भाई बस कूल दिखने के लिए मतलब रिलेशन में आएंगे, या फिर मतलब दोस्तों ने कुछ बोल दिया कि भाई यार मतलब अभी भी तू इतना बड़ा हो गया, भाई तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, तो बस मतलब लड़कियों के पीछे पड़े रहना है। तो यार इन चीजों से ना आप लोग अपने खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन करो, बाकी आप लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला। भाई कुछ तो मतलब अपने घर वालों से झूठ बोल के मतलब पैसे वैसे ले लेते प्रोजेक्ट वोजेक्ट के नाम पे, क्या करते भाई कोई लड़की होगी या फिर मतलब किसी चीज को अगर हमें चाहिए होगा तो उसके लिए भाई जीत पकड़ेंगे, घर वालों से ढंग से बात नहीं करते। भाई आप लोग ही सोचो कि इन सब का एंड क्या होने वाला है। तो भाई पॉर्न एडिक्शन देखो, इस चीज को लेके ना बहुत सारे मेरे भाई मुझे इंस्टाग्राम पे मतलब बातें करते मेरे से कि भैया मतलब हमें समझ नहीं आ रहा। देखो सबसे पहले तो यू नो ये जो चीज है ना, तो इसको करने से आप लोगों को अच्छा फील होता है, तो यार चलो ये बात तो सच है, बट हर एक चीज की ना लिमिट होती है। अब देखो वो चीज भले अच्छी हो या फिर बुरी हो, अगर वो लिमिट से भी ज्यादा करते हो तो वो चीज आप लोगों को प्रॉब्लम ही देने वाली है। सबसे तो इन सब में ना आपकी थिंकिंग खराब हो रही है। वैसे भी उसमें क्या दिखाया जाता है कि मतलब स्टेप मदर हो गया, स्टेप सिस्टर हो गया, तो भाई मतलब क्या चल क्या रहा है यार। सबसे तो ना वो एक नेचुरल चीज है, अगर आप लोग उसको मतलब वीडियो में या फिर यहाँ वहां देख के अगर आप लोग मतलब वैसे ही थिंक करने लग जाओ कि मेरे पार्टनर ने भी मेरे साथ वैसे ही करना चाहिए, भाई मैं सही में कह रहा हूँ ये बहुत बड़ी आप लोग गलती कर रहे हो। तो इसके ऊपर एक प्रॉपर टॉपिक बन जाएगा, अगर आप लोग को चाहिए तो मुझे आप लोग कमेंट करना। आती मैं आप लोग को आज से ही कंट्रोल करना चाहिए। अब देखो मैं यहाँ पे दो तीन आप लोग को छोटे टिप्स दे देता हूँ। सबसे तो आप लोग को अपने फोन में ना उन वेबसाइट को ब्लॉक कर देना चाहिए, बट जब भी ऐसा कुछ ख्याल आता है तो आप लोग को तुरंत कोई भी दूसरा काम करना चाहिए। तो ये चीज मतलब बोलने में ईजी है, बट यार एक्चुअल में करने में थोड़ा सा हार्ड हो सकता है। वैसे भी भाई आप लोग ही सोचो कि मतलब उसको करने के बाद थोड़े टाइम के लिए तो अच्छा लगता है, बट उसके कुछ टाइम के बाद ना आप लोग बहुत ज्यादा टायर्ड फील करते हो, लेजी फील करते हो। मैं आप लोग को कुछ भी नया या फिर कोई भी काम कंप्लीट या फिर उसको करने का दिल नहीं करता। बहुत बार तो आपने ऐसा भी फील करा होगा कि मतलब यार नहीं करना बट चलो कर लेते हैं, उसके बाद ना हमें फिर से मतलब ऐसा पछतावा सा हो जाता है कि यार ये मैंने क्यों किया, बट वो गलती फिर से आप लोग एक दो दिन में करोगे। आज से अपने आग का नाक जो खोलना है खोल लो, बट प्लीज इन चीजों से आप लोग को दूर रहना है। मतलब वो है सेल्फ केयर, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, स्पेशली जो टीनेज का जो टाइम होता है तो उसी के दौरान हमें ज्यादा मतलब स्किन रिलेटेड दिक्कतें होती है, जैसे कि मतलब पिंपल्स हो गए, डार्क स्पॉट हो गया। बट यहाँ पे दिक्कत क्या, हम लोग ऐसा सोचते हैं कि मतलब भाई यार इसे क्या ही फर्क पड़ने वाला है, चलो जान दो जैसे चल रहा है मतलब वैसे चलने दो। ट्रस्ट मी अगर उस चीज को आप लोगों ने सही टाइम पे ठीक नहीं करा तो वो आप लोगों को आगे चल के ज्यादा प्रॉब्लम दे सकती है। इसलिए मैं आप लोगों को ज्यादा कुछ महंगे प्रोडक्ट खरीदने नहीं बोल रहा, तो सिंपली आप लोगों को अपना स्किन केयर रूटीन बनाना चाहिए। उसमें आप लोगों को एक अच्छा फेस वॉश यूज करना चाहिए, अगर पिंपल ज्यादा आते हैं तो आप लोग सैलिसिलिक एसिड वाले फेस वॉश यूज कर सकते हो। अतर भाई मुझे इंस्टाग्राम पे ये भी मैसेज करते कि भैया मतलब हमें पिंपल तो नहीं बट हमें एक्ने के मार्क है या फिर डार्क स्पॉट है, तो उसके लिए कुछ तो बताओ। एक्ने मार्क या फिर जो डार्क स्पॉट होते हैं तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक बेस्ट चीज रिकमेंड करने वाला हूं, जो है द डर्माको का 10% नाइसिनामाइड फेस सीरम, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अरे भाई ट्रस्ट मी इसको मैंने खुद ने भी यूज करा हुआ है और ये बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है। जो सीरम है स्पेशली हमारे डार्क स्पॉट हो गए या फिर जो एक्ने के जो मार्क रह जाते हैं या फिर स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल है। एक इसका जो बेस्ट इंग्रेडिएंट आप लोग देख सकते हो, इसके अंदर है 10% नाइसिनामाइड, भी एक एक्टिव फॉर्म है विटामिन B3 का। साथ में वन ऑफ द बेस्ट इंग्रेडिएंट है हमारे एक्ने मार्क को कम करने के लिए। साथ में आप लोग देख सकते हो इसके अंदर जिंक भी एडेड है, तो जिस वजह से हमारे स्किन के टेक्सचर को भी ये काफी ज्यादा इंप्रूव कर देता है। वैसे इसको यूज करना काफी ज्यादा आसान है, सिंपली आप लोग को अपने फेस को नॉर्मल ठंडे पानी से क्लीन कर लेना है। आप लोग को सिंपली 2 से 3 ड्रॉप अपने प्रॉपर फेस के ऊपर डालना है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, और हल्के हाथों से आप लोग अपने फेस के ऊपर या फिर नेक के ऊपर इसको मसाज कर सकते हो। ऐसे इसको अप्लाई करोगे तो 2 से 3 मिनट के बाद ही मतलब प्रॉपरली स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, इस वजह से इसके इफेक्ट आप लोगों को काफी जल्दी देखने मिलते हैं। ऐसे आप लोग इसको डे या फिर नाइट कभी भी यूज कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों ने इसको सोने से पहले यूज करोगे तो काफी बेस्ट है। तो इसकी बेस्ट बात मतलब इसके अंदर कोई भी हार्मफुल केमिकल या फिर फ्रेग्रेंस वगैरह एडेड नहीं है, ओवरऑल देखा जाए तो काफी बेस्ट प्रोडक्ट है। तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और जब भी आप लोग डर्माको के वेबसाइट से परचेस करते हो तो डर्माको कंपनी लिंक करती है आपके ऑर्डर को एक चाइल्ड से, जो उनको हेल्प करता है एजुकेट करने के लिए अलॉन्ग विद भूमि।
हमने प्लेज किया 10,000 प्लस स्टूडेंट को हेल्प करने का अक्रॉस द ईयर, जो यार काफी सही बात है। और हाँ, इसको डर्माको के वेबसाइट से परचेस करते हो आप लोग मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हो Harsh2022, इससे आप लोग को 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चाहो तो इसको Amazon, Flipkart या फिर Nykaa से भी परचेस कर सकते हो, तो जरूर से चेकआउट करना। बात करते पॉइंट नंबर 4, वो है कोई भी रूटीन नहीं बनाना। देखो एक छोटी चीज को समझ लो, अगर आप लोगों को कोई भी चीज मतलब चाहिए या फिर अचीव करनी है तो आप लोग को रूटीन बनाना ही पड़ेगा, और वो भी प्रॉपरली लिख के। देखो अगर आप लोग मतलब सिर्फ माइंड के अंदर ही अपना रूटीन बना लोगे तो आप लोग उसको 1 या 2 दिन ही फॉलो कर पाओगे, उसके बाद मतलब आप लोगों को ही पता नहीं लगेगा कि मतलब आप लोग रूटीन से भटक गए हो। इसलिए सिर्फ दिमाग में सोचना और प्रॉपरली मतलब प्लान करना या फिर लिखना, रूटीन बनाना, तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बहुत से लोग गलती क्या करते, तो वो अपना रूटीन ना बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाते हैं, जैसे कि मतलब डेली वो 8 बजे उठते तो मतलब भाई कल से मैं 5 बजे या फिर 4 बजे उठूंगा। तो यार देखो इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, जैसे कि मतलब कल से 7:30 या फिर 7 बजे उठने का ट्राई करो, उसके बाद मतलब एक वीक के बाद आप लोग चाहो तो 6 बजे उठने का ट्राई करो, मतलब आप लोग स्टेप बाय स्टेप उस चीज को कर सकते हो। इसके अल्टरनेटिव अगर आप लोग डेली 8 बजे उठते और मतलब बोलोगे कि कल से मैं 4 बजे उठूंगा, तो भाई ये तो पॉसिबल नहीं होने वाला। अगर उठ भी गए तो आप लोग फिर से सोने वाले हो, इससे वो कि आप लोग वो चीज नहीं कर पाए तो भाई इसका भी मतलब आप लोग को सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा, तो इससे वो कि आप लोग खुद ज्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे। नंबर 5 की जो मिस्टेक है वो है ओवर थिंकिंग। देखो टीनेज के टाइम पे मतलब ओवर थिंकिंग इतना बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है ना, हमें मतलब चीजें होती है ऑलरेडी छोटी, बट हम लोग उसको सोच सोच के इतना ज्यादा बड़ा बना देते हैं कि मतलब यार पूछो मत। इसलिए सबसे पहले तो आप लोग को ये देखना चाहिए कि जो मेरे साथ जो लोग है या फिर जो मेरे फ्रेंड्स है, तो वो मतलब भाई सही में नेगेटिव है या फिर मतलब मुझे हर बार सपोर्ट कर दे। वो अगर ज्यादा नेगेटिव या फिर डिमोटिवेटेड लोग हो गए तो यार इससे आप लोग के लाइफ पे 100% असर होने वाला है। सबके साथ और एक प्रॉब्लम हो जाती है, वो है कंपैरिजन करना। मतलब भाई इतना हार्डवर्क करके जो आप लोगों ने अचीव किया है तो भाई वो रह गया बाजू में, हम लोग भाई यार अलग ही चीजों को लेके मतलब खुद से कंपेयर कर दे। कुछ लोग तो भाई लुक्स हो गया, हाइट हो गया, बॉडी हो गया, पैसा हो गया, तो भाई इन चीजों में फंसे हुए कि यार मेरे पास इतना कम क्यों है, उसके पास क्यों ज्यादा है। ये चीज अगर आप लोग छोड़ेंगे नहीं तो 100% लिख के ले लो, आप लोगों की लाइफ ज्यादा स्ट्रेसफुल होने वाली है। तो आई होप तुम लोग आज का वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। आप लोग मेरे और भी यहाँ पे वीडियोस देख सकते हो जो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले। तो मैं मिलता हूँ वीडियो में, तब तक के लिए बाय, पीस।